हेलो 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 फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में और स्लाइस ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन की आईडीई। यहां से मैं पाइथन की आईडीई ओपन कर लेता हूं। ये यहां से मैं न्यू फाइल ले लेता हूं, ये यहां पे जाकर के और न्यू पे क्लिक कर दीजिए, न्यू फाइल आ जाएगी। अब यहां पर करना क्या है, यहां पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं ए नाम का, ठीक है। ए इज इक्वल टू, मैं इसमें स्टोर करा रहा हूं एक स्ट्रिंग को। मैं कौन सी स्ट्रिंग स्टोर करा रहा हूं, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं ए नाम का, ठीक है। ए इज इक्वल टू, मैं इसमें स्टोर करा रहा हूं एक स्ट्रिंग को। मैं कौन सी स्ट्रिंग स्टोर करा रहा हूं, मैं यहां पर लिखता हूं इंडियन क्रिकेट। हालांकि क्रिकेट तो इसमें हो नहीं रहा है कोरोना की वजह से, टीम लेकिन लिख दिया है हमने इंडियन क्रिकेट टीम, ये लिख दिया है हमने, ठीक है। एंटर प्रेस किया और अब हम चाहते हैं इसे प्रिंट करवाना। प्रिंट कैसे करवाएंगे, प्रिंट करवाने का वही तरीका कि हमको कोई यहां पे लिखना होगा प्रिंट, ठीक है। प्रिंट लिखा हमने प्रिंट करवाने के लिए। अब हमने वेरिएबल किस नाम से बनाया था वो ले लिया हमने ए, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो इंडियन क्रिकेट टीम लिखा हुआ है, हमें इंडियन क्रिकेट टीम यहां पर नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ दो, जो यहां से काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, काउंटिंग स्टार्ट होगी जीरो से। ये देखिए ये जीरो है, ए इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट टीम मैंने लिखा है, ये आई जीरो में स्टोर होगा, ठीक है। यानी ए जीरो में स्टोर होगा आई, ए वन में स्टोर होगा एन, ए टू में स्टोर होगा डी, ए थ्री में स्टोर होगा आई, ए फोर में स्टोर होगा ए और ए फाइव में स्टोर होगा एन, फिर ये गैप है तो ये गैप स्टोर हो जाएगा ए सिक्स में, ऐसे करके ये स्टोर होगा, ठीक है। तो अब हम आएंगे इसको क्लोज करेंगे, क्लोज कर दिया, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आप स्लाइस ऑपरेटर यूज करेंगे तो आपको कोलन लगाना होगा। ये कोलन लगाना आप मत भूलिएगा, ये कोलन जो है कंपल्सरी है, ये नेसेसरी है। यानी दो से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि दो का मतलब क्या हुआ, ये जीरो ये वन ये टू, टू से स्टार्ट करना चाहते हैं। और कहां तक जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं फाइव तक। तो ये करेगा क्या, ये फाइव तक प्रिंट करके दे देगा क्या, नहीं, फाइव से एक कम प्रिंट करेगा। कैसे प्रिंट करेगा ये देखते हैं। इसको मैं सेव करता हूं, यहां से सेव पे क्लिक किया हमने और इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूं मैं। यहां पे स्लाइसिंग डॉट पी वाई ये मैं कर देता हूं और इसको सेव कर लेता हूं। ये सेव कर लिया हमने, अब इसको रन करवाता हूं। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन समझने के दृष्टिकोण से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ा। तो इसको मैंने ओके किया। अब देखिए ये डी आई ए, सिर्फ डी आई ए प्रिंट करके दे रहा है। चले चलते हैं अपने वापस प्रोग्राम पर। डी आई ए यही ये प्रिंट करके दे रहा है ना, ये लिखा हुआ है दो, पांच से एक कम, ठीक है। यानी कि एक, जैसे आप जो भी यहां पे देंगे, जैसे यहां पे अगर आप थ्री दे देते हैं, देखिए यहां पे अगर मैं थ्री लिखता हूं, एक छोड़ करके ये प्रिंट करेगा। यहां पे देखिए, ये देखिए आई ए प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आई ए प्रिंट होने का मतलब कि तीन, ये थ्री है ना, तो वन टू थ्री यहां पे आ गए, ये जीरो वन टू, ठीक है। अब थ्री से प्रिंट कर रहा है, थ्री और फोर प्रिंट कर रहा है, लेकिन फाइव ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। यानी एक लास्ट में ये छोड़ देगा, एंड माइनस वन। देखिए बिगनिंग कोलन एंड माइनस वन, इसी सिंटेक्स पे ये चलेगा। तो इस तरह से हम स्लाइस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्लाइस ऑपरेटर का और क्या यूज है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन तो ये भी दे सकता है कि अगर मान लीजिए हमने यहां कुछ डिफाइन ही नहीं किया, ये देखिए यहां पर बिगनिंग पॉइंट हमने डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। बिगनिंग हटा देते हैं, हम डायरेक्टली इसको सेव करते हैं। हमें चाहिए लास्ट वाला पॉइंट हमने दिया है फाइव, फाइव लिखने का क्या मतलब है, एंड माइनस वन, यानी फाइव एंड है और माइनस वन, एक घटा दीजिए इसमें से। तो अब क्या ये रन होगा प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल रन होगा, कोई एरर नहीं आएगा और आपका रिजल्ट भी आएगा। और आइए देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये हमने प्रिंट किया, यहां पर इंडिया प्रिंट होकर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे पूरा का पूरा इंडिया प्रिंट होकर आ रहा है। यानी बिगनिंग से यहां से आइए, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये पांचों कैरेक्टर प्रिंट करके हमें दे रहा है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। यहां पे फाइव लिखा होने का मतलब है कि ये पांचों कैरेक्टर हमें प्रिंट करके दे रहा है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे वन लिख देता हूं, ठीक है, तो अभी ये हो जाएगा एंड माइनस वन। यानी कि इसको जब मैं रन करवाऊंगा
तो जो पांचवा कैरेक्टर होगा उसको छोड़ करके ये प्रिंट करेगा। अब देखिए एक दो तीन चार, अब देखिए ये हो क्या रहा है, यहां पे देखिए वन से स्टार्ट करना है ना, तो ये जीरो है ये वन है, एन से स्टार्ट हुआ वन टू थ्री फोर। अब चूंकि फाइव कैरेक्टर हमने यहां पे फाइव दिया है ना, लेकिन यहां पे ए तक ही प्रिंट होकर आया है, ये आप देख सकते हैं यहां पर ए तक ही प्रिंट होकर आया है, ये वाला ए है ये देखिए ये वाला ये, ठीक है यहां पर ए तक ही प्रिंट होकर आया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप बिगिनिंग पॉइंट इसे दे देंगे तो एंड में से वन माइनस कर देगा ये, ठीक है। अगर हम बिगनिंग पॉइंट नहीं देते हैं तब क्या होगा, अगर मैं दोनों ही कैरेक्टर जैसे अब बिगनिंग में दे देता हूं, जैसे यहां पर टू कर दिया मैंने और लास्ट वाला कैरेक्टर नहीं दूंगा तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं इसका भी रिजल्ट। देखिए लास्ट वाला कैरेक्टर अगर मैं नहीं देता हूं, मतलब लास्ट वाला पॉइंट मैं नहीं देता हूं कि कहां तक हमें चाहिए, तो ये देखिए स्लाइस हमें कहां तक चाहिए ये मैंने नहीं दिया है, तो ये पूरा का पूरा लास्ट तक लेके जाएगा आपको, टू से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक लेके जाएगा। ये देखिए इसको रन कराया हमने, फिर देखिए टू से स्टार्ट कर रहा है और पूरा लास्ट तक जितना भी बच रहा है वो पूरा ले आकर के हमें दे दे रहा है आंसर में, ठीक है इस तरह से ये काम करेगा। अच्छा तब क्या होगा जब यहां पर हम कोई भी कैरेक्टर नहीं देंगे, यहां पे हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, सिर्फ ये दे दिया कि हमने ए में स्टोर किया है, सिर्फ इतना बता दिया इसको, सिर्फ हमने वेरिएबल का नाम भर दे दिया और यहां पे कुछ भी हमने नहीं दिया है, ठीक है। अब यहां से सेव करता हूं इसको, अब इसको रन करवाता हूं, तो यहां पे देखिए ये पूरा का पूरा ही ये दे देगा, ठीक है ये देख सकते हैं आप। अच्छा एक कंडीशन और बनती है इसमें, यहां पर एक कंडीशन क्या बनती है, जैसे मान लीजिए कि यहां मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है जीरो से लेकर कुल मिलाकर हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं, आइए देख लेते हैं, काउंट करिए, ठीक है चलिए यहां पे मैं लिखने वाला हूं 100, यहां पे मैं देता हूं 100, चूंकि 100 कैरेक्टर तो है नहीं तो फिर क्या होगा, ये क्या ये रिपीट करेगा, रेपिटिशन होगा जो कैरेक्टर हमने दिए हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ये स्लाइस है और ये ऐसा कुछ नहीं करेगा और सीधा क्या करेगा, जितने कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंट करके हमें दे देगा, बस इतना ही करेगा ये। ये देखिए पूरा का पूरा इंडियन क्रिकेट टीम ये प्रिंट होकर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इससे कंफ्यूजन आपकी काफी हद तक क्लियर हो जाएगी पाइथन में कि ये स्लाइस ऑपरेटर काम कैसे करता है, ठीक है स्लाइस ऑपरेटर कैसे काम करेगा, इससे ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है और उम्मीद करता हूं इससे काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहां पर मैं दे देता हूं 9 और यहां पे दे देता हूं 1, इस कंडीशन में क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, जब भी आप पेपर देने जाओगे या जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे पाइथन के तो क्वेश्चन कई तरीके से आएंगे, तो ये भी तरीका देख लेते हैं, ये 9 है ये 1 है तो क्या होगा इस कंडीशन में, चलिए देखते हैं। यहां से इसको सेव किया और यहां से इसको रन करते हैं, ये एम्प्टी रिजल्ट हमें एम्प्टी देगा, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा प्रिंट होकर के, जब भी ऐसा आप करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है पॉइंट ये तो समझ में आ रहा है कि आपने 9 यहां पे दिया हुआ है लेकिन यहां पर 1 है, यानी 9 से 1 जाना है, उल्टा जाना है आपको, क्या ऐसा संभव है, नहीं ऐसा नहीं संभव है। तो इस तरीके से आपके डाउट्स उम्मीद करता हूं काफी हद तक क्लियर हुए होंगे स्लाइस ऑपरेटर को लेकर के, और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।